अपने सपनों के लिए पढ़ाई छोड़ देना कितना कठिन होता है, लंबी दूरी तय करने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाना कितना कठिन होता है, लेकिन जो इस कठिन सफर को तय करते हैं वही नायक और नायिका कहलाते हैं। चलिए आज आपको ऐसी ही नायिका की कहानी सुनाते हैं जिसका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन रास्ते में आए पत्थरों को देख उन्होंने चलना छोड़ नहीं दिया। कठिनाइयों का सामना करते हुए चलती रही और अपनी मंजिल तक पहुंची। समझ तो गए ही होंगे आप लोग। जी हाँ, हम आपको सुनाने वाले हैं कहानी मृणाल ठाकुर की। मृणाल का जन्म 1 अगस्त 1992 को महाराष्ट्र के धुले में हुआ। उनके पिता का नाम उदय सिंह ठाकुर और उनकी माँ का नाम वंदना ठाकुर है। उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी है। बहन का नाम लोचन ठाकुर और भाई का नाम मंदार ठाकुर है। मृणाल की स्कूलिंग जलगांव के सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल और बाद में मुंबई के करीब वसंत विहार हाई स्कूल से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद वो मुंबई के प्रतिष्ठित किशन चंद चेलाराम कॉलेज से मास मीडिया में अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, लेकिन एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और चकाचौंध की दुनिया में कदम रख दिया। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की छोटे पर्दे से। मुझसे कुछ कहती ये खामोशियां में उन्होंने गौरी भोंसले का किरदार निभाया और क्या खूब निभाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखकर लोगों को पता चल गया कि इस लड़की को अभी बहुत दूर तक जाना है। इसके बाद उन्होंने अर्जुन नाम की एक सीरियल की और फिर उनके जीवन वो सीरियल आई जो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई और उस सीरियल का नाम था कुमकुम भाग्य। इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में इस सीरियल का एक खास औंधा है। बुलबुल अरोरा का उनका किरदार लोगों को आज भी याद है। कुमकुम भाग्य को उन्होंने 2016 में टाटा बाय बाय कह दिया और शुरू कर दी एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनसे अभी थोड़ी दूर थी। उन्होंने शुरुआत मराठी फिल्मों से की थी। हेलो नंदन उनकी पहली फिल्म थी जिसमें लोगों से उनको खूब प्यार मिला। 2014 की इस फिल्म ने लोगों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ा। विटी दांडू और सुराज नाम की उनकी दो और मराठी फिल्में इसी साल आई। उनकी मेहनत जारी रही और फाइनली वो मौका आया जिसका उन्हें इंतजार था। 2018 की फिल्म लव सोनिया से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। वेल, ये एक इंडो अमेरिकन फिल्म थी। फिल्म में उन्होंने टाइटल कैरेक्टर का रोल निभाया। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, मृणाल ने इस बात को साबित कर दिया। पहली ही फिल्म से मृणाल चारों ओर छा गई। उनकी एक्टिंग से न सिर्फ ऑडियंस बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी खासा इम्प्रेस हुए। इसलिए तो रिपोर्टेडली आमिर खान ने उन्हें अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने किसी निजी कारण की वजह से इस फिल्म को न करने का फैसला लिया। आपके अंदर आगे कोई गुण हो तो वो छुपाए नहीं छुपता। इसके बाद तो मृणाल ने एक से बढ़कर एक रोल किए। सुपर 30 से उन्होंने ऑफिशियली बॉलीवुड में एंट्री मारी। बॉलीवुड की पहली फिल्म और वो भी ऋतिक रोशन के साथ उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत ने उनको ये मौका दिलवाया था। फिल्म में उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की और खूब तारीफें बटोरी। धीरे धीरे उनके करियर की गाड़ी आगे बढ़ी। बाटला हाउस, घोस्ट स्टोरीज, तूफान, धमाका, जर्सी जैसे फिल्में उन्होंने की। जर्सी में शाहिद कपूर के ऑपोजिट उनके किरदार को क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया था। अब बारी थी मृणाल के थोड़े और आगे बढ़ने की। वो सिर्फ हिंदी और मराठी फिल्मों तक ही नहीं रुकी, बल्कि तेलुगु फिल्मों में भी उन्होंने कदम रखा। सीता रामन में सीता महालक्ष्मी का उनका किरदार तो सभी के दिलों में ही बस गया। और हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म हाय नन्ना के तो चारों ओर चर्चे हैं। लोग उन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार बता रहे हैं। गुमराह, ला स्टोरीज 2, आंख में चोली, पिप्पा जैसी फिल्में उन्होंने की। मेड इन हेवन 2 में भी नजर आ चुकी है मृणाल। मृणाल अपने लव लाइफ को प्राइवेट रखना ही ज्यादा पसंद करती है।
वैसे उन्होंने नच बलिए सीजन 7 में अपने पार्टनर शरद त्रिपाठी के साथ पार्टिसिपेट किया था और तभी से उनके शरद के साथ रिलेशनशिप में होने की खबरें हैं। इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स, गोल्ड अवार्ड्स, लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स जैसे कई सारे अवार्ड्स मृणाल अपने नाम कर चुकी है। वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है। जितने भी प्रोजेक्ट्स में वो अभी तक नजर आई है उन सब में उन्होंने 4 चांद लगा दिए। लेकिन ये तो उनकी अभी शुरुआत है, सिर्फ पूरी कहानी तो अभी बाकी है। एक बहुत पुरानी शायरी है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इंतहा अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये शायरी उनकी जिंदगी से पूरी तरह मेल खाती है। मृणाल की कहानी हौसले की कहानी, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं उसकी कहानी है। वेल, आपको कैसी लगी मृणाल की ये कहानी? उनकी कौन सी फिल्म है आपकी पसंदीदा? और फ्यूचर में किस एक्टर के साथ आप देखना चाहते हैं उनको, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।